आप सभी का स्वागत है एक बार मेरे चैनल मुन्ना सर लेक्चर में। आज मेरे साथ ऑन स्क्रीन सत्यम है। तो सत्यम से सत्यम का क्या परिचय है पहले मैं बता देता हूँ आप सभी को। सत्यम जो है मेरा एक स्टूडेंट है। मैं सिक्स्थ क्लास में जब ये लड़का था, सिक्स्थ में फिफ्थ में, उस समय मैं इसे ट्यूशन पढ़ाने आया करता था और बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत ही मेहनती लड़का था और बहुत ही सीरियस होके पढ़ाई को सीरियस लेना, पढ़ना, जो भी होमवर्क दिया जाता था वो सारा होमवर्क करता था। और स्पेशली मैं इनके लिए ये बात कहना चाहूंगा कि सत्यम क्लास सिक्स में था और इनको मैथ में इतनी रुचि थी, इतनी रुचि थी कि ये हमसे अक्सर बोलता रहता था, सर हमको टेंथ क्लास का मैथ का ये सवाल बताइए, हमें ट्रिगोनोमेट्री बताइए। सिक्स क्लास का लड़का ट्रिगोनोमेट्री का सवाल सॉल्व करता था। तो आप सोच सकते हैं कि मैथ में इसकी कितनी रुचि थी। और जैसे ही मुझे पता चला कि सत्यम को 471 नंबर है, मैं वर्तमान समय में एक ट्यूशन पढ़ा रहा था, वहां से भागा भागा मैंने इसके दुकान पे गया और इनके पापा से बात कर बोले, हाँ हम तो आपको बताना सर भूल गए, लेकिन आज सत्यम अभी घर पे है, अभी तुरंत ये कोटा निकलने वाला है। तो पूरे तरीके से हम कोई प्रिपरेशन के साथ में नहीं आए हैं, बस एज यूजुअल जैसे हमको पता चला सत्यम से मिलने के लिए, सत्यम से बात करने के लिए सत्यम के घर में इस वक्त मौजूद है। लाइट का थोड़ा सा इशू होगा, इसको माइंड मत कीजिएगा, कोई प्रिपरेशन नहीं है। सत्यम अभी खुद तैयार है कोटा जाने के लिए, रात में 8:30 बजे इनकी गाड़ी है और इस वक्त हम इसके यहाँ मौजूद है शूट करने के लिए। सत्यम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो सत्यम एक बात बताओ, जैसे ही हमको पता चला हमें तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास में चला आया तुमसे बात करने के लिए। जिस दौरान तुम्हारा एग्जाम वगैरह सारा कुछ, पहले तो हमें ये बताओ कि ये तैयारी जो हुई है लॉकडाउन के दौरान, सारी स्कूल्स बंद, कोचिंग बंद, ऑनलाइन का मदद कैसे, मतलब क्या किया इतना, मतलब अच्छा से मेहनत करना लॉकडाउन के दौरान, सब कुछ बंद था फिर भी तुम इतना अच्छा से लगन से मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचा, इसके पीछे का मुख्य वजह बताओ कैसे। सर मेन तो यही था कि सेल्फ स्टडी पे हम लोग का मेन जोर से, सर मेन फोकस हम लोग का सेल्फ स्टडी पे था क्योंकि स्कूल और बंद था सब कुछ। मेन जो हमारा सोर्स था एजुकेशन का वो डिस्टर्ब हो चुका था। ऑनलाइन टीचर्स बहुत सारे हेल्प किए, जो वहाँ पे शिक्षक हैं वो तो बहुत, जितने भी हैं कम है लेकिन बहुत जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने जो भी प्रॉब्लम थी, मतलब कि हम लोग के स्कूल में इस टाइप से पढ़ाया जाता है कि आपको बोर्ड के हिसाब से पढ़ाया जाता है कि बोर्ड में किस टाइप से लिखना है, किस टाइप से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लीजिएगा कि SST है तो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो 5 मार्क का क्वेश्चन है, हाँ उसमें पॉइंट वाइज 5 मार्क का लिख देंगे, एक पेज लिख देंगे, उसमें अपने हिसाब से पैराग्राफ टाइप का लिखते हैं। लेकिन हम लोग के स्कूल में पहले से ही बताया जाता है, जैसे 5 मार्क का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आया कि राइट 10 पॉइंट अबाउट दैट, तो हम लोगों को बताया जाता है कि उसको 10 पॉइंट में तोड़ के देखो, कोई मैथ है एल्गोरिथम है ये बना दो, तो ये सब बहुत हेल्प करता है स्कूल में। जो जिसके आपसे सर बताते हैं जो हेल्प करते हैं वो बहुत सारे सिचुएशन में मदद करता है। चलो ये बताओ, जब तुम पूरा एग्जाम दे करके आया था, तुम्हारा पूरा एग्जाम जो है खत्म हो गया था सब पेपर, उस दौरान घर पे आके तुमने पूरा तरह से एनालिसिस किया होगा सारा क्वेश्चन का कि कितना मार्क्स आएगा, कितना परसेंट आएगा, मेरा स्थान कहाँ पर बनेगा, तो क्या तुम्हें क्या लग रहा था 471 नंबर आएगा या तुम्हें ये लग रहा था कि इनसे ज्यादा मुझे आएगा, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। सर मेरा फर्स्ट एग्जाम मैथ का था तो मैथ में कुछ गलतियां हुई थी जो रियल बात है, लेकिन जितना मैथ में आया है मुझे वो एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि आप देख सकते हैं एडवांस मैथ में मुझे 97 मार्क है और मैथमेटिक्स 98 जो भी हो, और मैथमेटिक्स नॉर्मल मैथमेटिक्स में इतना कम है, तो ये मेरे लिए एक्सपेक्टेबल नहीं है क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन लिखे थे अच्छे से पहले रफ में उसको सॉल्व किए, उसके बाद फिर उसको पेपर में लिखे, कहीं नो ओवरराइटिंग हुआ, 2 मार्क क्वेश्चन को एक एक पेज में अच्छे से लिखते थे, फिर भी सर वहाँ पता नहीं कहाँ मार्क काट दिया गया, मुझे कुछ डाउट हो रहा है इस पर। अच्छा कहने का मतलब ये है कि 471 नंबर जो आया तुम्हारा, ये कहना है कि इनसे ज्यादा आना चाहिए था। डेफिनेटली सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी है, तो क्या चैलेंज करना चाहोगे। और सर हम तो कोटा जा रहे हैं तो फिर मेरे मामा जी बता रहे हैं कि वो हेल्प कर देंगे, अगर वो करते हैं तो फिर हम उनका साथ देंगे, लेकिन हम तो कोटा जा रहे हैं फिर वहाँ कोटा आज ही निकलना है। यस राज, अभी आगे का क्या प्लान है, कि ग्रेजुएट सॉरी इंटर में क्या करना है आगे। IIT सर, IIT का तुम्हारा जो है तैयारी करना है। एलुमनी में सर 80% स्कॉलरशिप है तो उसी में एडमिशन हुआ है। कोटा, कोटा में किस जगह। कोटा में सर एलुमनी कोटा संकल्प बैच। अच्छा तो सत्यम मेरे साथ में मौजूद है। सत्यम को मैं आज से नहीं जानता हूँ, लगभग 5-6-7 साल से मैं इसको जानता हूँ, जब मैं इसे आता था पढ़ाने के लिए। बहुत ही अच्छा लड़का है और स्पेशली मैं एक बात और बता दूं आप सभी को कि मैं जब सत्यम को आता था पढ़ाने के लिए
तो उस दौरान हम लोग कभी कभी ऐसा होता था कि इनको क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा रुचि है, इतना ज्यादा क्रिकेट में रुचि उस दौरान जब ये कक्षा पांचवी में पढ़ रहे थे, इतना ज्यादा क्रिकेट में रुचि था और मुझे भी क्रिकेट में बहुत ज्यादा रुचि था। तो कई कई बार ऐसा होता था कि हम दोनों मतलब पढ़ाई को छोड़ के क्रिकेट पर बात करते 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 कब एक घंटा टाइम निकल जाता था। तो कभी इसकी मम्मी बोल भी देती थी कि आज तो सर पूरा क्रिकेट के बारे में बात किए हैं। तो हम लोग जो है इतना ज्यादा एक दूसरे से घुल मिल गए थे और वो सारी यादें आज हम ऑन स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। सत्यम, वो डबल सेंचुरी वाला याद कहानी याद है तुमको? एक बार हम दोनों के बीच की बात है, जब इसे पढ़ा रहा था मैं, तो जब रोहित शर्मा डबल सेंचुरी लगाया था उससे पहले हम दोनों रोज प्रत्येक दिन जब इनको आते थे पढ़ाने के लिए और शाम में जब मैच होती थी तो हम लोग पहले दोनों बैठ के प्रिडिक्शन करते थे, सत्यम तुमको क्या लगता है आज क्या होगा, हमें ये लगता था। और एक दिन जो है हम इसको बोले थे कि सत्यम आज लगता है रोहित शर्मा डबल सेंचुरी मारेगा, इनको लग रहा था कि नहीं सर डबल सेंचुरी इतना आसान नहीं है। क्या सत्यम उस दिन का कहानी बताओ थोड़ा सा दो मिनट में। सर हम हमेशा से जानते हैं आप रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन रहे हैं। हाँ, और हम तो मेन मेरा विराट कोहली था। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको बहुत जोर से करते थे। हाँ, जोर से। लेकिन हम आपको देखे, आप बोल रहे थे तो डबल सेंचुरी मारेगा, मुझे रोहित शर्मा पसंद नहीं था। हाँ, तो रियल बात है। हाँ, लेकिन सर आपका बात बिल्कुल सही हुआ, श्रीलंका के खिलाफ मुझे आज भी वो दिन याद है। हमने एक घंटा डिस्कशन किया था, इस पर रिवेक भी किया था कौन अच्छा है, विराट अच्छा है या फिर रोहित अच्छा है, उसी पर सर। लेकिन आपका बात बिल्कुल सही हुआ, रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ 208 में से 208 या 209 कुछ ऐसे था। यस, ऐसा ही कुछ मारा था। तो हम दोनों जो है पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट की भी बहुत सारी बातें करते थे, जब आते थे, जब आते थे सत्यम को पढ़ाने के लिए। और सत्यम से हम इतना ज्यादा क्लोज हो गए थे, इतना ज्यादा जिज्ञासु लड़का मैंने अपने करियर में अभी तक नहीं देखा। आप सोच सकते हैं कि सिक्स क्लास का बच्चा ट्रिगोनोमेट्री कैसे सॉल्व करेगा, इतना जिज्ञासा था इसके अंदर। नहीं सर हमें बताइए, सर हमें ये सवाल बताइए, सर हमें ये सवाल बताइए, यानी कि अपने क्लास से लोग एक क्लास ऊपर बनाते हैं, दो क्लास बनाते हैं, तीन ये चार चार क्लास ऊपर का सवाल बनाते थे। और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था इनको पढ़ाने में, इनको पढ़ाने में कभी हमको एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ा। एक बच्चा होता है कि बार बार चीजों को बताना, बाबू ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बस इसको हिंट काफी था, इसको हिंट काफी था कि हिंट दे दिए बाबू ये करना है तो उसके बाद खुद ये कर लेगा, फिर ये खुद हमको एक्सप्लेन कर देता था सर ऐसे 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 होगा। जैसे ही आज हमको पता चला कि सत्यम के बारे में ऐसे से बात है, हम खुद को रोक नहीं पाए इनसे मिलने के लिए, सीधा इनके पास में पहुंच गए। सत्यम और कुछ बातें हमें बताओ, जब तुमको पता चला था घर, सबसे पहले घर कॉल आया होगा, पटना गया था इंटरव्यू के लिए, कब कॉल आया था? सर 26 को बुलाया गया था, 25 को कॉल आया, 25 को कॉल आया था। 24 को, तो जब 24 को कॉल आया था उस दौरान क्या मन में हो रहा था? एक्साइटमेंट था, खुशी था, नर्वसनेस था, कैसा फील कर रहे थे और मम्मी पापा सबका क्या रिएक्शन था? सर पहली बात तो मेरे दोस्तों को समय कॉल नहीं आया, किसी को नहीं, सबसे पहले मुझे कॉल आया था, तो मुझे लगा कि कुछ इससे पहले प्रैंक हो चुका था मेरे साथ, तो मुझे लगा कि कुछ प्रैंक भी हो सकता है हुआ। हाँ, तो हम पहले कंफर्म किए अपने दोस्तों से। हाँ, तो मेरे बाद मेरे एक घंटे बाद मेरे कुछ दोस्तों को फिर कॉल आया, तो उनसे जब ये मतलब कि हम लोग विश्वास हो गए कॉल सबको आ रहा है, तब मुझे भी इस बात का विश्वास हुआ। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, एक्साइटमेंट तो जाहिर सी बात है होगी ही। मम्मी पापा कितना खुश थे? बहुत खुश थे, उनको एक्सपेक्ट था भी कि आ सकते हैं कैप्टन में, वो तो होप कर रहे थे कैप्टन को आएंगे, लेकिन यही मैच में बहुत बड़ा। अच्छा सत्यम ये बताओ कि वहाँ जब पटना गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ सर एवरेज मार्किंग कर दिया गया मैथ में, मेन बात है हम लोग जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं ना, मतलब कि हम देखते भी हैं क्लास में दो चार बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, उन सबको भी हर बच्चे को एक सब्जेक्ट में एवरेज मार्किंग कर दिया गया जानबूझ के, अब ये क्यों किया गया पता नहीं। अच्छा एक चीज़ हमें और बताओ, जबकि अच्छा मार्क अच्छा एग्जाम गया भी था बच्चों का, फिर भी कोई एक सब्जेक्ट में एवरेज मार्किंग किया गया, जैसे मुझे मैथ में, किसी को हिंदी में कर दिया गया, किसी को साइंस में, ऐसा सबके साथ हो रहा है। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, बहुत बच्चा का ये क्वेश्चन है कि सर पहला एग्जाम जो है ना वो मैथ का नहीं देना चाहिए था, पहला दिन लोगों में एक्साइटमेंट रहती है, थोड़ा सा नर्वसनेस रहता है, और पहला दिन इतना मेजर सब्जेक्ट डाल देना, क्या ये थोड़ा बहुत तुम्हारे दृष्टिकोण से और सब बच्चों के लिए, सबका कहना था कि सर इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है तो जो है इंग्लिश सबसे पहला दिन होना चाहिए, मैथ नहीं होना चाहिए, तो क्या सत्यम अगर मैथ पहला दिन दिया तो क्या इसको हटाना चाहिए था पहला दिन से, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से पहला दिन मैथ नहीं होना चाहिए था, क्या सोचते हो? वैसे तो मैथ मेरा बहुत अच्छा है, हम ऐसा कोई नहीं, तुम्हारा मैथ कितना अच्छा है हम जानते हैं, बहुत बच्चों का अच्छा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सब
मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि क्वेश्चन इजी रहता है, क्वेश्चन में कोई नो डाउट, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, बस उसको अच्छे से करना रहता है। और मैथ जिस तरह से फर्स्ट एग्जाम में दिया गया तो थोड़ा नर्वसनेस सभी बच्चों को आता है, फर्स्ट एग्जाम था और उसको अच्छे से लिखना है मैथ को। मैथ में रहता है हल्का मिस हो गया तो आपका पूरा मार दिया, तो इसलिए मैथ को फर्स्ट में नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से। चलो कुछ बातें, और अभी भी विराट कोहली का ही फैन हो? बिल्कुल धोनी भी है, धोनी को भी पसंद करते थे लेकिन नहीं, मतलब फैन विराट कोहली का ही है। तो ये बताओ कि विराट कोहली जो इस वक्त टीम इंडिया का कप्तान नहीं है किसी भी फॉर्मेट में, प्लस जो है आईपीएल में भी वो कप्तानी नहीं कर रहे हैं, इस बात का कितना ज्यादा दुख है जरा जाहिर करो। बुरे दिन तो सबके आते हैं, बिल्कुल अच्छा भी आएगा। अच्छा तुम ऐसा मान रहे हो कि विराट कोहली का बुरा दिन चल रहा है? अरे सर होता है, सबके साथ होता है, एक करियर में डाउनफॉल आता है सबके साथ, तो विराट कोहली को चाहिए उससे ऊपर आए। अच्छा क्या विश्वास है वो आएगा? बिल्कुल आएगा। अरे तुम्हें क्या लगता है कि थोड़ा सा क्रिकेट से इतना तुम्हारा इंटरेस्ट है? वो मेरा भी उसमें इंटरेस्ट है, उतना तो नहीं रहा जितना पहले था, लेकिन फिर भी अभी भी है, अभी भी है। हमें एक बात और बताओ सत्यम, कि विराट कोहली टीम इंडिया का कप्तान नहीं है, इससे टीम इंडिया का कुछ नुकसान हो रहा है या रोहित कप्तान है तो उससे ज्यादा उसको फायदा हो रहा है, क्या बोलना चाहोगे? आप रोहित का तारीफ सुनना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, हम तारीफ नहीं सुनना चाह रहे, जो जेन्युइन है वो बताओ। जो रियल बात है सर, जेन्युइन तो है कि रोहित शर्मा अभी अच्छा कर रहे हैं। एक भी मैच नहीं हारा है अपने ऑल टाइम कप्तानी में, अच्छा तो अभी कर रहे हैं ये हम मानते हैं। रोहित शर्मा भी अच्छे खिलाड़ी हैं, बचपन में पता नहीं क्यों विराट से प्यार करते थे इसलिए उनको रोहित से नफरत हो गया था। अब रोहित मतलब अच्छे लगते हैं? अच्छे तो लगते हैं सर, लेकिन अभी भी विराट नंबर। हाँ वो समझ गए, वो समझ गए, फैन तुम विराट का हो। चलो कुछ बातें हमें और बताओ, जब सिमतला में पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई के साथ साथ जो है क्रिकेट वगैरह में वहाँ क्रिकेट खेलते थे वहाँ पर? ये सर खेलते थे, लेकिन मेन मेरा स्पोर्ट्स बास्केटबॉल बैडमिंटन, ये दोनों था। बास्केटबॉल में ज्यादा, बैडमिंटन में ज्यादा रुचि है? चलो बहुत अच्छी बात है। और एक दो बातें हमें और बताओ कि तुम्हारे स्कूल से कुल कितने बच्चे का जो है टॉप 10 में नाम आया? टॉप 10 में सर मात्र 5 बच्चों का आया। तुम्हारे स्कूल से सिमुतला आवासीय विद्यालय से 5 बच्चा टॉप 10? लास्ट 3 इयर्स सर ये ऐसा हो रहा है कि बच्चों को कम दिया जा रहा है। 3 साल पहले 3 बच्चों को दिया गया, उसके बाद सर 11 या 12 बच्चों, जोर से थोड़ा सा, 3 बच्चों को दिया गया फर्स्ट 3 साल पहले, फिर 11 या 12 बच्चों को दिया गया, अभी सर मात्र 5 बच्चों को दिया गया। और सर हम ये नोटिस भी किए हैं, बहुत सारे ऐसे भी के बच्चे भी नोटिस किए हैं, क्योंकि जल्द को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ये पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है इसके पीछे। कि आप देखिएगा सर हर जिले से टॉप 10 में बच्चे आ रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है, पहले भी बच्चे आते थे सिमतला से, अभी भी आ रहे हैं, पहले बहुत ज्यादा आते थे, पहले बहुत ज्यादा, कभी कभी तो ऐसा देखा जाता था कि 10 में 10 वहीं से आ जाते थे। 2016 में 42 बच्चा में 42 बिल्कुल बिल्कुल, 19 में भी शायद 18 में से 18 सिमतला भी, ऐसा नहीं है सर उसमें पढ़ाई में डाउनफॉल हुआ या फिर कोई और इशू है, मुझे तो लगता है। हाँ ये भी कारण है कि बाहरी बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, अपने के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सर ये मुझे मेरे स्कूल के साथियों को कलीग को और मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ पॉलिटिकल रीजन भी है इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जिस सब्जेक्ट में हम जिसमें गलती की है आप उसमें मार्क का कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें बच्चे गलती नहीं किए उसमें किसी एक सब्जेक्ट में हर बच्चे को एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है। नहीं ये तो कहीं से भी सही नहीं है। सत्यम एक बात हमें और बताओ, जीवन में क्या बनना है तुमको? सर आईआईटी उसके बाद आईएएस ऑफिसर। हमें एक चीज थोड़ा सा समझ नहीं आया कि जब तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है तो फिर बीच में आईआईटी को क्यों ला रहे हो, इसके पीछे का क्या तर्क है? सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लव है हमारा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इंटरेस्ट है, इसीलिए जो है उसको भी रखना चाहते हो और उसी से तुम जाना चाहते हो यूपीएससी में जाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो सत्यम आज मेरे साथ में है, सत्यम के बारे में हम जितनी तारीफ करेंगे शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। सत्यम मेरे साथ में है, माता रानी से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि सत्यम अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बने, मेरी आशा है, मेरी शुभकामना है। और सत्यम को मैं आज से नहीं जानता हूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, बहुत पुराना रिश्ता है हम दोनों का, अब मेरा पसंदीदा छात्रों में से एक छात्र ये है और कभी भी मतलब हम इसको भूल नहीं पाएंगे, जब तक हम इस फील्ड में रहेंगे या हम टीचिंग लाइन को छोड़ भी देंगे तो सत्यम का जिक्र हमेशा मेरे मन में रहेगा। कहीं भी अगर अच्छे बच्चों का जिक्र होगा तो मेरे मुंह से सत्यम का नाम नहीं निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सत्यम मेरे साथ, सत्यम बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके। एक आखिरी सवाल, अपने जूनियर को जो 9th के बच्चे हैं इस बार 10th में गए हैं उसके लिए एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज दे दो, क्या देना चाहोगे? सर अपने जूनियर्स को यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको बोर्ड में अच्छा करना है
अपने कोई बुक का मार्क इम्पोर्टेंट होता है, आपको अच्छा करना है तो आपको स्टार्टिंग से ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेरा एक प्रॉब्लम था, हम शुरू से ही, हम टेंथ में आने के बाद भी मुझे लगता है कि हम अक्टूबर या नवंबर से बोर्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, उससे पहले हम मैथ साइंस ही कर रहे थे आगे के लिए। तो SST का बुक हम फर्स्ट टाइम नवंबर में देखे थे कैसा होता है, मतलब 10th क्लास का SST का बुक नवंबर में सीधा। और उसमें कितना मार्क्स है? 99। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सर मतलब कि मेन फोकस था आपका ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, कि ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए, और हिंदी में, हिंदी संस्कृत में ये है कि आपकी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो सर वहाँ पे संस्कृत और अच्छे संस्कृत के बहुत अच्छे टीचर हैं वहाँ पे, तो ये सब शुरू से ही पढ़ाया जाता है, और अच्छे ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और फिर जूनियर्स को बस यही कहना चाहेंगे कि आपको अगर आपका मेन मोटिव है कि हमको बोर्ड में अच्छा करना है, तो आपको सब कुछ अच्छे से लेके चलना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट को किसी एक टॉपिक पे आप बस किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर सकते, डिफेंड नहीं कर सकते कि बाकी को आप छोड़ दीजिएगा। जैसे मैंने कुछ गलतियाँ की जो मुझे अभी लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी सर जितना एक्सपेक्टेड था उसके मुकाबले तो कम है, कहने की बात है। मार्क देखने के बाद डिसअपॉइंट भी हुए कुछ बहुत ज़्यादा, इसका सर शेयर नहीं किया उतना, लेकिन फिर भी जूनियर्स को तो मेन है कि सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। और SST और पे जैसे कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि आप एक स्टैंडर्ड वे में देखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि साइंस का ही कोई क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है, आप बस उसके बारे में लिख दीजिएगा पैराग्राफ कैप में, आपको जनरली 5 मार्क दे देगा, 5 मार्क अच्छा टीचर होगा तो देगा, लेकिन अगर कोई करेक्ट टीचर हुआ, कोई सख्त हुए तो 3 मार्क 2 मार्क 4 मार्क ऐसे दे देंगे। यानी कि तुम्हारा कहना है कि पॉइंट बना के उसको लिखना, पॉइंट बना के एल्गोरिथम बना के देखिए, हां डायग्राम के साथ उसको समझाना था कि एक ही बार में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए, देखने के साथ क्रिस्टल क्लियर हो जाए उनको कि बच्चा क्या लिखा है, और मार्क लाने लायक बच्चा गुड आंसर इसको करते हैं वो लिखना चाहिए। चलो तो ये मेमोरी हमको लगता है कि 471 वाला जो मेमोरी है ये तो होल टाइम याद रहेगा। याद रहेगा नहीं रहेगा? yes, और मम्मी पापा के लिए भी हमको लगता है ये बहुत बड़ी खुशी है, क्या खुशी नहीं है? सुपौल जिला तुम्हारा कौन सा रैंक है? पहला रैंक होगा? yes, सुपौल में फर्स्ट। सुपौल में देखो, देखिए मेरा कितना अच्छा सौभाग्य है, सुपौल का जो टॉप 3 है 471 नंबर सत्यम जिसका इंटरव्यू मैं आज कर रहा हूँ, 468 नंबर जिन बच्चे को आया है नवनीत आनंद जिसका इंटरव्यू आज सुबह 6 बजे मैं उसके घर पे जाकर के किया हूँ, और 467 नंबर ब्यूटी कुमारी जिनके पापा राजेंद्र यादव है जिनका कि लॉकडाउन के दौरान निधन हो गया था, उनका इंटरव्यू जिस दिन रिजल्ट आया था मैंने उस दिन किया। तो यानी कि सुपौल का जो तीनों टॉप 3 है मैं उसका इंटरव्यू कर चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं वो सारे इंटरव्यू, मुन्ना सर लेक्चर मेरे चैनल का नाम है। और क्या बता रहे थे कि बिहार में कौन सा रैंक है? बिहार में सत्यम का 15वां रैंक है, यानी कि अपने जिला में सुपौल जिला में सत्यम प्रथम स्थान पर है, और पूरे बिहार में सत्यम का जो है 15वां स्थान है। तो सत्यम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ये आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करते रहे, जो बनना चाहते हैं बने, और IAS बनना चाहते हैं और एक अटेम्प्ट में IAS बने, मेरी ये शुभकामना है, मेरी ये आशा है, दुआ है। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी बातें अगर आपको पूछनी है तो वो जो है आप हमें कमेंट में बताएं। एक आखिरी प्रश्न, RCB का फैन अभी भी हो? RCB का हम CSK फैन थे सर, फैन CSK का। यस सर। फेवरेट विराट कोहली? यस सर। चलिए बहुत बहुत अच्छा, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।